मैं सबसे पहला सवाल यही करने वाली हूँ कि जो डेंगू आपके घर में हुआ, सिम्टम्स क्या थे? अच्छा, सबसे पहले ये था क्योंकि मेरी फैमिली में ही हुआ है, तो बुखार आ रहा था। हाँ। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि बुखार जब आता है तो हम मरीज को क्या कहते हैं, हमारी गलती सबसे बड़ी होती है कि हम कहते हैं कि आराम करे, आराम करने दो, कोई से तंग नहीं करो, परेशान नहीं करो, खाता है अपनी मर्जी से खा ले, चाय बिस्किट खा ले, नहीं खाता कोई बात नहीं। लेकिन डेंगू बुखार इस तरह का बुखार होता था, 104-105 तक पहुंच जाता था, फिर पट्टियां रखते थे उससे। अच्छा, डॉक्टर के पास लेके जाए तो डॉक्टर फर्स्ट तो पहले दिन तो आपको टेस्ट नहीं कहते, कह रहे मौसम का बुखार है, सही हो जाएगा। हाँ। लेकिन दो दिन तक ऐसा बुखार रहता है बहुत ज्यादा, मरीज कुछ खाता पीता नहीं है, और इसका रीजन क्या होता है, आपके प्लेटलेट्स जो है बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम तवज्जो नहीं देते, हम ये समझते मरीज इसको लेटा रहने दे, लेकिन नहीं, आपने इसको पानी पिलाना है, 4 लीटर पानी दिन में पिलाना लाजमी है, क्योंकि वो ज्यादा नहीं पी सकता, तो 4 लीटर आप इससे पिलाएं, जूसेस पिलाएं, आपने उसे सेब का जूस पिलाना है, उसे आपने अनार का जूस पिलाना है, पपीते का रस पिलाना है, आपने उसे चुकंदर का आपने रस पिलाना है, और इतना 2 दिन के अंदर इतने प्लेटलेट्स इसके कम हो जाते हैं कि हॉस्पिटलाइज, क्योंकि हमारे घर में 2 लोगों को हुआ था, एक को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, आईसीयू में रखा गया उसको, उसके बाकायदा ब्लड लेके प्लेटलेट्स उसको लगे हैं, 12,000 तक पहुंच गए थे, ये बहुत सिवियर होता है, नाक से ब्लीड आना शुरू हो गया था, पता भी नहीं लगता, और मरीज बिल्कुल ठीक होता है, जो मैंने सिम्टम देखे मरीज की कोई वो हालत नहीं होती, वो गिरा पड़ा हुआ है, और 2 दिन के बाद बुखार भी नहीं होता, लेकिन आपकी अंदर की कंडीशन सही नहीं होती है, बुखार ठीक हो जाता है, लेकिन मरीज ठीक नहीं होता, जिगर पे इफेक्ट होता है, उसके गुर्दों पे इफेक्ट होता है, जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आती है, हम मरीज को देखते हैं, रिपोर्ट को देखते हैं, हम हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, मरीज तो ठीक लग रहा है, रिपोर्ट क्या है इसकी, एक मच्छर बताएं, एक मच्छर कितनी परेशानी, मच्छर हमारा अंजर पंचर ढीला कर देता है, एक मच्छर। अच्छा, मेरे बड़े भाई को हुआ था और बहुत ही सिवियर। अच्छा, वो कभी बीमार नहीं होते, लेकिन अचानक उन्हें बुखार चढ़ा, बुखार तो जो था सो था, लेकिन उनके जिस्म में इतना दर्द था, इतना दर्द था कि वो लिटरली चीखे मारते थे, मुझे कुछ हो गया, पकड़ो मेरे हाथों को, पकड़ लो मेरे पाँव को, पकड़ लो, मतलब अजीब किस्म की उनकी जैसी ही कैफियत हुई, क्योंकि कभी ऐसी कैफियत नहीं थी। फौरी तौर पर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, तो पता चला कि उनको डेंगू हो गया। तो अब बस मुझे फौरी तौर पर फोन आया, भाई का ट्रीटमेंट जाहिर है हॉस्पिटल में शुरू हो गया था, लेकिन मैं अपने तरीके से, मैंने अपने भाभी से कहा कि शैला मैं अभी ला रही हूँ पपीते के पत्तों का रस। पपीते के पत्ते मैंने अपने घर में लगावा है, बड़े बड़े मैंने पत्ते तोड़वाए और उसको बहुत अच्छी तरह धोया, बारीक बारीक काटा, और उसके अंदर एक चुकंदर, यानी उस वक्त मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं चुकंदर देने से मेरे भाई के प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे, बल्कि मुझे ये था कि इसका कड़वापन कम हो जाएगा। बस फिर अल्लाह के, और बहुत सारे मीठे मैं लेके गई, भाई मेरे मीठे जो होते हैं मीठे, अच्छा, जिस वक्त मेरे भाई को हुआ उस वक्त, तो मैं फौरी तौर पर लेके गई, ये लेके गई, वो पानी बहुत कड़वा था, मैंने अपने भाई की बड़ी खुशाम देखी, मैं मेरे प्यारे भाई पी लो, मेरे बड़े भाई है, हम उन्हें छोटे भाई कहते हैं, मेरे 2 भाई बड़े हैं मुझसे, तो बड़े भाई को बड़े भाई और छोटे भाई को छोटे भाई, तो भाई पी लो, भाई पी लो, वो इतनी तकलीफ में थे, बाहर उन्होंने पिया, फिर उनको मीठों का वही से रस निकाल, उनका टेस्ट कराया कि नहीं, नहीं हॉस्पिटलाइज से, वो तो ट्रीटमेंट शुरू हो गया, उनका शुरू हो गया, क्योंकि बता रही हूँ उनकी तकलीफ ऐसी थी कि वो चीखे मारते थे, मेरे दर्द है। अच्छा, ऐसा होता है कि किसी को एक दफा डेंगू हो जाए तो दोबारा नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ख्याल ऐसा, और जब ये होता है कि चिकन पॉक्स हो गया तो दोबारा नहीं, और निकला निकला, ये बात ये होती है, जिसको डेंगू है, किसी को अगर घर में डेंगू है, उसको अगर कोई आम मच्छर भी काट के किसी और को काटेगा तो उसको भी डेंगू हो जाएगा। जी बिल्कुल, ज़ॉम्बी वाली चीज हो रही है, इसी तरह तो फैल रहा है बेसिकली, और सिर्फ डेंगू नहीं है, आप डेंगू में वो मच्छर ढूंढ रहे तो डेंगू मच्छर देख लिया, हाँ नहीं ऐसा नहीं है, आम मच्छर मरीजों को बहुत स्पेशली रखा जाता है, कवर करके रखा जो है वो पूरे पाकिस्तान में, तकरीबन कराची में बशमूल जो है वो डेंगू टाइप के 4 से 5 किस्म होती है, जैसे मलेरिया होता है, फिर डेंगू होता है, इसी तरह 4-5, वो बड़े मुश्किल मुश्किल नाम है सारी चीजें, जरूरी नहीं है कि आपको जो है डेंगू का मच्छर काटेगा तो डेंगू के आपके जो है वो पॉजिटिव आएगा, नहीं, वो 4 मच्छर भी अगर आपको, और वो फैले में कर, जितनी गंदगी है, जितना पानी आप कोशिश करें जहाँ पानी जमा है वो नहीं होने दें, उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, लेकिन डेंगू तो कहते हैं गंदे पानी में नहीं, साफ पानी की जगह पे भी मिट्टी डालनी है ना, साफ पानी की जगह भी डालनी है, बिल्कुल बाल्टियां खुली, मैं आपको बताऊं कि हमारे कराची में पानी की बहुत कमी है, फ्रेश ताजे पानी की, मीठे पानी की, अब जो लोग फ्लैट सिस्टम में जो लोग रहते हैं उनके वीक में एक बार आता है, मेरे खुद भाई भी गुलशन में रहते हैं, तो वो लोग पानी जमा कर
करके रखते हैं, और जैसे आज का दिन है तो बड़े बड़े जो उनके फिल्टर बनाए हुए वो सब के आज के दिन तो इसी में पानी आ रहा है और इस्तेमाल करते हैं ना, फिर उसके बाद उस पानी को अपने पास महफूज कर लेते हैं। अमूमन यानी मैं ये समझती हूँ कि बाथरूम्स वगैरह के लिए वो लोग इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते, खुला रखते हैं, लेकिन अपने पानी के साथ बहुत ज़्यादा एहतियात करें, कम उस पर कपड़ा डाल के रखें। हमने अपने घर में क्या किया है ना, हमारे घर में होता है टैंकर का पानी आता है, पानी कम आता है, तो हमने बाल्टियां लेके ढक्कन वाली बाल्टियां ली है स्पेशली, हाँ ठीक है आप सेफ करें, एकदम पानी चला जाए क्या करेंगे, सेफ करें, मगर वो ढक्कन से ढका होना चाहिए बाकायदा। ये जब डेंगू बहुत फैला ना, यासर ने कहा नुदा और ये पानी क्या करेंगे वो, मैं जैसे ही गई हूँ मैं किसी प्लास्टिक की दुकान पे और मैं ढक्कन वाली बाल्टियां खरीद के लिए आई, मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट सही है, बजाय अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए वो ज्यादा। एक छोटी सी टिप बता दो जो मुझे पता लगी है। अच्छा डेंगू के बारे में आप चारों में से बता कौन रहा है, मैं बता रही हूँ, आप बता रही हैं, हम लेकिन आप बता दें टिप। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि बहुत सारे हम इकदाम करते डेंगू ना हो, लेकिन मुझे ये बात जो है वो कल ही पता लगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके पास अगर जमा स्टोर किया हुआ पानी है, वो पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं घर के कामों में, पीने खाने पीने में नहीं, वो वाला पानी, तो आप क्या करें अपनी टैंकी में छोटी छोटी मछलियां जो होती हैं वो डाल, मछलियां जो होती हैं छोटी छोटी वो मच्छरों को भी खाती है, उनके अंडों को भी खाती है, वहां से आप डेंगू बच सकते हैं। और ये बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, नहीं बिल्कुल छोटी, बहुत सारे मुल्कों में हो ये हो भी रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग खुद छोटी छोटी मछलियां डाल रहे हैं उनके घरों में जाके, और जहाँ पे स्टोर हुआ है गाँव में देहातों में से आ गई है आपके पास, फिर क्या जी नहीं जो इस्तेमाल करने का पानी फिर आपको छन्नी वन्नी लगा दे नल के पास वो नहीं आएगी, लेकिन हम मैं जब छोटी थी हमारे एक बहुत बड़ा टैंक था, हम इसमें मछलियां नहीं डालते, लेकिन वो लाइन के जरिए कहीं से आ जाती है, तो उसमें मछलियां भी हो गई थी, हो जाती है कभी कभार, तो लेकिन वो इस्तेमाल ना करें। लेकिन ये एक दफा हमारे टैंक में क्या हुआ, पता नहीं क्या कैसे ढक्कन खुल गया क्या हुआ, इतनी स्मेल आया पानी में, सूंघे मतलब ऐसे वजू करने लगे तो स्मेल आए, स्मेल क्या हुआ यार, क्या हुआ क्या हुआ, ऊपर आपको पता है प्लम्बर को भेजा चेक कराया, क्या था, क्या चूहा कव्वा मर के गिर गया, हम सबने कुल्लिया की थी, उल्टियां लग गई कि ये क्या है, तो प्लीज अपने टैंक को, क्योंकि कभी कभार क्या होता है प्लम्बर या आपका कोई भी हेल्पिंग हैंड वो जाके टैंक खोल देता है, और जब जरा भी टैंक खुली हो कुछ भी हो सकता है उसमें, बिल्कुल फिर एक हम लोग जब जिस जमाने में अपार्टमेंट्स में रहते थे, मैं सब चीजें इसलिए बता रही हूँ कुछ भी हो सकता है, सही बात, तो वहाँ पे जाहिर है आपको पता है पानी बंद कर देना ये कर देना, तो एक दिन हमारे टैंक में जो हमारी वो थी लाइन, उसमें किसी ने सॉक्स घुसाया कि इनका पानी बंद हो जाए, जैसे इमेजिन लोग इतने नेगेटिव होते हैं, अपना सॉक्स घुसा के आ गए, अल्लाह वो कितने दिनों तक पहना होगा इन्होंने ये सॉक्स। जी हम आपको डेंगू के बारे में बता रहे हैं, डेंगू जो इतना फैला हुआ है सबसे पहले उससे शुरू करें। अच्छा डेंगू सबने बताया, अब हमारे यहाँ होता क्या है कि पपीते के पत्तों का रस पिया जाता है, अगर डेंगू को अगर स्टडी करें पढ़ें तो पपीते के पत्तों का जो रस है वो बुखार को तोड़ता है, अच्छा बुखार की शिद्दत को कम करता है, इसकी वजह से इम्यूनिटी थोड़ी सी बैलेंस रहती है, तो प्लेटलेट काउंट डाउन नहीं होता एकदम से, असल में वो है वो बुखार को खत्म करने के लिए होता है। सेब का रस जो है जिसमें लेमन जूस डाले वो प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ाने के लिए होता है, चुकंदर भी इसलिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि विटामिन सी, विटामिन सी ना, लेमन जूस डाले विटामिन सी, अनार हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा होता क्या कि अनार हम क्या करते हैं किस तरह अनार खाते हैं खाएंगे, अच्छा अनार के साथ हमेशा काली मिर्च डाल के खाएंगे तो वो जो दर्द होता है प्लेटलेट काउंट्स बढ़ाने के अलावा जो दर्द की शिद्दत होती है वो काली मिर्च खत्म करती है। काली मिर्च अभी जो मैं कहवा बनाऊंगी, अच्छा डिफरेंट चीजें होती है पपीते के पत्तों के, तो अब काल पड़ा हुआ है हर आदमी उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बुखार को फौरन कम करता है, बुखार को कम करने के साथ जो दर्द होता है जो पेन होता है बहुत लगता है हड्डियां टूट रही हैं उस दर्द को वो कम करता है, और फिर जो है एक चीज ऐसी है वो प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ाती है, तीनों चीजों को साथ करना बहुत जरूरी है। इसलिए होता क्या है कि आपका प्लेटलेट काउंट्स बढ़ जाता है, बुखार कम हो जाता है, स्किन पे धब्बे शुरू हो जाते हैं, ये भी डेंगू के बाद होता है, और हड्डियों का दर्द इतना होता है कि वो महीनों चलता है, किसी किसी का सालों चलता है, वो बहुत सिवियर होता है। अब करना क्या है कि मैं आपको डिफरेंट चीज बता रही हूँ थोड़ी सी, और इजी है बहुत, नीम के पत्ते लेने हैं आपको और ताजे लेने, सही तकरीबन 3 ग्लास पानी लिया, इसमें तकरीबन आपने 10 के करीब पत्ते डाले, ठीक है, और इसमें 5 से 6 अमरूद के पत्ते डालेंगे, ये आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करेगा, बुखार आपका फौरन खत्म होगा। 5 से 6 पत्ते डालेंगे अमरूद के और चिरायता, चिरायता चिरायता वैसे भी किसी भी किस्म का बुखार हो आपने सिर्फ थोड़ा सा चिरायता 1 गिलास पानी में उबाल के अगर सुबह शाम पी लिए तो बुखार फौरन टूट जाता है। चिरायता डाल के और इसमें 5 अदद काली मिर्च डालेंगे,
इसको आपने पकाना है और पका के जो है इसको आधा कर लेना है. जब ये आधा हो जाएगा तकरीबन 3 गिलास पानी जो है 1.5 गिलास रह जाएगा, इसको आप छान के रख लीजिए. इसमें है ये रेवंद खटाई, रेवंद खटाई, रेवंद खटाई का पाउडर बना ले. अब आपने क्या करना है कि एक एक चुटकी सुबह शाम रेवंद खटाई खानी है और ये जो पानी है ये हर 1 घंटे के अंदर 1 सिप लेना है. अच्छा, 1.5 गिलास पानी है, आपने पूरा ग्लास भर के नहीं पीना है. और इसको सिर्फ जो है 1 सिप लिया, 1 घंटे बाद फिर 1 सिप लिया, इस तरह से तकरीबन 12 घंटे ये पानी पीना है. आप देखेंगे प्लेटलेट काउंट अगर आपके सुबह चेक हुए हैं और शाम को करवाएंगे 12 घंटे के बाद तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, और बुखार फौरन टूट जाएगा. और इससे जो जिस्म में जो दर्द हो रहा होता है ये उसको फौरी तौर पर कंट्रोल करता है. अच्छा, इसके अलावा अगर ये भी मुश्किल है, साथ में जो है अनार, जो है सीजन चल रहा है, अनार को छील के आपने इसके दाने लेके इसके ऊपर पिसी भी काली मिर्च डाल के इसको खाना है. एक इतना प्याला रोजाना खाना शुरू कर दें तो ये इसको बहुत सपोर्ट करता है. और एक चीज जो बहुत ही ईजी है, मैं गर्म पानी यही डाल देती हूँ, आपने जो है ना पान का पत्ता लेना, ये मैंने तोड़ लिया है, इसमें आपने गर्म खोलता हुआ पानी डालना है, तकरीबन 1 पान के पत्ते में 1 गिलास पानी. और इसको जो है जब ये बिल्कुल अर्क निकल आएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर इसको आपने छान लेना. अब 1/4 कप सुबह पीना है और 1/4 कप शाम को पीना है. सही. अच्छा, इनमें से जो चीज आपको इजीली मिल जाए आप वो करें, तो ये एक साथ तीनों चीजों को क्योर करता है, बुखार भी, प्लेटलेट काउंट्स को भी, आपके जो पेन हो रहा होता है, हड्डियों का दर्द होता है उसको भी, और साथ साथ जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं कि लाइक उसमें आपके चेहरे पे धब्बे आ जाते हैं. बहुत सारी ऐसी बच्चियां आती हैं उनका पूरा चेहरा, पूरी बॉडी स्याह हो चुकी होती है और वो तकरीबन जो निशान धब्बे होते हैं वो 1 से 1.5 साल लेते हैं जाने में. वो पिगमेंटेशन नहीं होती है. अच्छा. वो सनटैनिंग नहीं होती है, वो डेंगू के साइड इफेक्ट होते हैं. वो चेहरे पे काले काले बड़े बड़े धब्बे आ जाते हैं. पड़े थे बेटा धब्बे हाथों पे. माइक इसका क्यों बंद है? माइक खोलो ना, मुझे कैसे आवाज आएगी उसकी बजाय. अच्छा, हाथों पे पड़े. हाथों में पड़े थे. मुंह पे तो नहीं पड़े ना, बचत हो गई. बड़े खतरनाक होते हैं. वो ये नहीं है कि भाई पिगमेंटेशन उसका ट्रीटमेंट कर लें, वो डेंगू के बाद आ रहे होते हैं. तो अगर आप ये सब करते हैं तो फिर अल्लाह मतलब इसे कि वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं, बिल्कुल स्याह धब्बे होते हैं. पहले मच्छरों को कोई से कोई नहीं डर लगता था, मच्छरों से डर लगा है, इतना खौफ आने लगा जिसकी कोई हद नहीं है, पता नहीं क्या क्या. और इसके अलावा रेवंद खटाई जिसे मैंने कहा, इसको सिर्फ एक चुटकी सुबह शाम खाएंगे तो ये दर्द होता है ये नहीं होगा. इसके अलावा रेवंद खटाई इसका पाउडर बना रहे, फीका सा होगा ये. और इसके साथ साथ जो है खमीरा जो है गाँव जबान मिल जाता है. गाँव जबान खमीरा, गाँव जबान, गाँव वो होता है, पत्ता होता है गाय की जबान की तरह. ठीक है, खमीरा मिल जाता है, खमीरा गाँव जबान या खमीरा अम्बरी, इनमें से कोई सा भी खमीरा ले लें. अगर वो आप खाते रहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि अल्लाह ना करे कोई मच्छर काटता भी तो आप उसको उससे बचा लेता है.